आयशा के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरी क्लास का थर्ड डे है। आज डेट है 1/7/17 9 मंथ 2020 क्लास केजी थर्ड। आज मैं सिखाऊंगी, मैंने सिखाया फर्स्ट डे स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन सिखाया मैंने फर्स्ट डे। सेकेंड डे मैंने सिखाया स्लीपिंग लाइन, आज मैं सिखाऊंगी स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन इस तरह से बनती है। बच्चे जब तक लाइनिंग को नहीं समझेंगे तब तक वो अल्फाबेट को नहीं बना पाएंगे। तो बच्चों के लिए आज मैं बनाती हूँ 4 स्क्वायर कोडिंग कॉपी, जैसे रोज बनाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों को कभी भी आप 2 लाइन की कॉपी में मत सिखाइए, उनको ऑलवेज आप 4 स्क्वायर की कॉपी में सिखाएंगे तो वो इजीली सीखेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता होता कॉपी क्या है, किताब क्या है, पेंसिल क्या है, क्योंकि वो तो खेलते खेलते जो है बड़े होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को सीखने में। ये देखिए आप लोग, 4 स्क्वायर कॉपी हमारे बोर्ड में बन गई है और हमें सिखाना है आज स्लैंटिंग लाइन। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जैसे कि मैं रोज बताती हूँ कि बच्चों को डॉट के सहारे सिखाते हैं हम। 1 डॉट, सेकेंड डॉट, फिर 1 डॉट, सेकेंड डॉट, 1 डॉट, सेकेंड डॉट, 1 डॉट, सेकेंड डॉट। इसी तरह पूरी कॉपी में आप बच्चों को डॉट ड्रॉ करके स्लैंटिंग लाइन सिखा सकते हैं। 1 डॉट, 2 डॉट, 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 1 डॉट, 2 डॉट। इस तरह से आप बच्चों की कॉपी पे 2 डॉट ड्रॉ कर दीजिए, फिर आप बच्चों से बोलिए 1 डॉट को 2 डॉट में ज्वाइन करेंगे तो हमारी बनेगी स्लैंटिंग लाइन। 1 डॉट को 2 डॉट में ज्वाइन करेंगे तो हमारी बनेगी स्लैंटिंग लाइन। 1 डॉट को 2 डॉट में ज्वाइन करेंगे तो हमारी बनेगी स्लैंटिंग लाइन। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब आप उन्हें पढ़ाइए तो खेल खेल कर पढ़ाइए,
ये नहीं लगे कि उन्हें बोरिंग हो रहा है, या आप मैच हिस्ट्री को आपके पास तो आप उसको स्लैंटिंग करके दिखाइए और बोलिए कि इस मैच स्टिक से भी हम लोग स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वन डॉट को सेकेंड डॉट में ज्वाइंट करने से हमारी ड्रॉ होती है स्लैंटिंग लाइन। वन डॉट को सेकेंड डॉट में ज्वाइंट करने से हमारी बनती है स्लैंटिंग लाइन। वन डॉट को सेकेंड डॉट में ज्वाइंट करने से हमारी बनती है स्लैंटिंग लाइन। और मैं आगे होमवर्क भी दे देती हूँ बच्चों को इसमें बनाकर। ज्यादा नहीं सिखाइए आप उन्हें, अगर आपके पास वन पेज है तो स्टार्टिंग में आप उसे हाफ सिखाइए, क्योंकि पहले आप बच्चों को इंट्रोड्यूस होने दीजिए कि ये कॉपी है, ये पेंसिल है। एक दिन में आप बिल्कुल नहीं सिखा पाओगे और बच्चा करेगा भी नहीं। यहाँ से मैं होमवर्क देती हूँ, आप अपने बच्चों को घर पर स्लैंटिंग लाइन सिखाइए। यहाँ से मैंने दिया है होमवर्क, फर्स्ट डे मैंने सिखाई स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड डे मैंने सिखाई स्लीपिंग लाइन, थर्ड डे मैंने सिखाई स्लैंटिंग लाइन। सबसे पहले आप बच्चों को लाइन ड्रॉ करना सिखाइए। जब आप लाइन ड्रॉ करना सिखा देंगे तो धीरे धीरे बच्चे जो है फिर जब पेंसिल पकड़ना सीख जाएंगे तो फिर अल्फाबेट भी सीखने लगेंगे। आज की क्लास में इतना। देखिए इस तरह से अब मैं कल मिलूंगी आप लोगों को कुछ नया लेके। थैंक यू सो मच।